नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार आज आपको बताने वाला हूँ आई फ्लू, आँखों में इन्फेक्शन जो ये चल रहा है आजकल, मौसम चेंज होने के कारण जो आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है आई फ्लू, जिसे आई फ्लू के नाम से जाना जा रहा है। इसमें आई फ्लू जो होता है इसमें जो आँखों में रेडनेस आ जाती है, आँख सूख जाती है और आँखों में खाज लगने लगती है, और आप खाज लगने के कारण अगर आप आँखों को मसल लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसके उपाय और इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब बात कर लेते हैं आई फ्लू को रोकथाम के उपाय। आई फ्लू जो होता है ये आँखों की बीमारी होता है जो कि अब चल रही है, जुलाई में सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि यह बारिश के कारण बहुत अधिक हो रही है, क्योंकि बारिश हुई थी और उससे सर्दी गर्मी और इन्फेक्शन आँखों में बहुत फैल रहा है, आँखों में रेडनेस आ जाती है। ये जो ये पलक रहती हैं, ये देखिए ये जो पलक रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दो दिन पहले मुझे भी आई फ्लू हो गया था, मेरी इन आँखों में दर्द रहने लग गया था और ये लाल हो गई थी सारी आँखें, और इनके ऊपर ये जो पलक है इनमें अगर हम पलक भी मारते थे तो इनमें दर्द होता था और ऐसा लगता था जैसे कि कुछ इसमें चुभ रहा हो, चुभन रहती थी। इसकी रोकथाम के लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ और ड्रॉप बताने वाला हूँ। इसकी रोकथाम के उपाय हैं, अगर आपके आई फ्लू हो गया है तो आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, ऐसे करके बर्फ़ लगा सकते हैं और 10-15 मिनट में आप कर सकते हैं, दिन में कम से कम 10-12 बार आप कर सकते हैं, या ठंडे पानी के आँखों में छपके मार सकते हैं, ऐसे इस तरह से छपके मार सकते हैं जिससे कि आपके आँखों की सफाई हो जाएगी। और ये जो आई फ्लू चल रहा है गर्मी के कारण चल रहा है, आप इसमें छपके मार सकते हैं और बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, और बाल्टी में पानी लेकर, बाल्टी या आप छोटे बड़े मग्गे में पानी लेकर आप अपना मुंह उसमें डालकर आँख खोल सकते हैं और बार बार आप इस प्रकार ये कर सकते हैं। अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप मोबाइल, टीवी, और अगर आप बाइक या आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ काले चश्मे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आँखों में धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, और मोबाइल चलाना और टीवी देखने से आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता है और आँखें लाल हो जाती है। इसी कारण आप इन सब का उपयोग ना करें। अगर आप बार बार आँखों से हाथ लगाते हैं तो प्लीज़ अच्छी डिटॉल की साबुन से आप हाथों को धो सकते हैं, क्योंकि यह इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक है। और मैं आपको इस आई फ्लू के बारे में ड्रॉप डालने के लिए भी बताने वाला हूँ। इसमें आप फेस्टिव डी ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, आप इसे जब भी ड्रॉप का यूज करें आप इसे फ्रिज में धर सकते हैं और ठंडी ठंडी आप इसे आँखों में घेर सकते हैं। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है ओफ्लोक्सोसिन एंड डेक्सामिथासोन। आप इस साल्ट की दवाई को कहीं से भी ले सकते हैं और अपनी आँखों में दिन में 5-7 बार डाल सकते हैं, 2-2 बूंद आप अपनी आँखों में डाल सकते हैं और आराम करें, धूप में ना निकलें। अगर आपको आई फ्लू हो रहा है तो आप इन सब बीमारी से बच सकते हैं। आई फ्लू आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे आपकी रोशनी भी जा सकती है अगर आपने लापरवाही बरती। इसलिए आप जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये सब आपको उपाय करने चाहिए और ये ड्रॉप आपको डालनी चाहिए। मैं आपको ड्रॉप दिखा रहा हूँ, ये अंदर से कैसे निकलती है, देखिए आप अंदर से कुछ इस प्रकार की निकलेगी, और इसका साल्ट मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नाम, अगर आप वीडियो कहीं दूसरे राज्य या दूसरे देश से भी देख रहे हो, आपको फेस्टिव डी के नाम से अगर आपको ये ड्रॉप नहीं मिलती है तो आप ओफ्लोक्सोसिन डेक्सामिथासोन के नाम से भी आप इस साल्ट की आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है और बहुत ही अच्छी आई ड्रॉप है। मैं आपको इसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आप इस आई फ्लू की बीमारी में आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी ड्रॉप है, मैंने भी इसका ही यूज किया था। ये देखें मेरी आँखों में अब भी जाले से आ रहे हैं क्योंकि मुझे आपको ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझ पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप आई
फ्लू के बारे में वीडियो बनाए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम है या आपकी आंखों में आई फ्लू की बीमारी है तो आप बार बार पानी से छपके मार सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं और ठंडा चीज़ खा सकते हैं। और आप जब भी आई ड्रॉप का यूज करें तो आप फ्रीज में रखकर ठंडी आई ड्रॉप ही आँखों में डालें, जिससे कि आपकी ये बीमारी 2 से 3 दिन में सही हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डॉक्टर सोनू कुमार, BIMS कानपुर, आपको नई नई वीडियो डालता रहूँगा और आपको बीमारियों के बारे में सही जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो।